नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मनीषा किचन में। दोस्तों मैं आई हूँ इधर खेतों की तरफ, तो अभी मैं चल रही हूँ दोस्तों बैगन के खेत में। आप लोग भी चलिए मेरे साथ। अभी दोस्तों हम आ गए हैं बैगन के खेत में, और देखिए उधर साइड में जो है कि खेत की जुताई हो रही है। ट्रैक्टर चल रहा है तो ट्रैक्टर का आवाज़ थोड़ा सा आ रहा है, तो आवाज़ को इग्नोर करिएगा दोस्तों। फिलहाल अभी हम आ गए हैं बैगन के खेत में, और यहाँ पर देखिए लाइन से कितना बढ़िया बैगन लगाया गया है दोस्तों। ये गोल वाला बैगन है, और इसका देखिए फूल है, ये इसका फूल थोड़ा सा इस तरह से होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये चोखा वाला बैगन है, इसका चोखा बहुत ही बढ़िया बनता है दोस्तों। और देखिए एकदम मस्त है, इसको हम तोड़ लेते हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है ये बैगन देखने में। ये देखिए यही है एकदम बढ़िया चोखा वाला बैगन दोस्तों। तो यहाँ से हम देखकर और भी बैगन तोड़ लेते हैं जो तैयार हैं। आइए दोस्तों आपको दिखाते हैं बैगन के पेड़ में दोस्तों कितना बढ़िया फल लगा हुआ है। ये देखिए अभी छोटा दोस्तों बतिया है, और इधर देखिए दोस्तों ये सब भी अभी छोटे हैं, अभी काफ़ी बड़े होंगे दोस्तों। कितना बढ़िया फल लगा हुआ है ये देखिए, है ना। और बैगन की दोस्तों खेती बहुत बढ़िया की गई है, काफ़ी दूर तक यहाँ बैगन लगा हुआ है। एकदम हरा भरा दोस्तों खेत है, बैगन तो बहुत ही ज़बरदस्त फला हुआ है काफ़ी। मनीषा जी आपके पैर के पीछे है बैगन, मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, इधर जिधर मैं हूँ इधर भी बहुत बढ़िया बैगन फला हुआ है। ये देखिए बैगन का पत्ता ऊपर ऊपर है, और नीचे नीचे बैगन छुपा हुआ है, दिखता ही नहीं जब दोस्तों। इस डंठल को उठा रहे हैं तो देखिए बहुत ढेर सारे जो है कि बैगन फले हुए हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए एक बैगन तैयार भी है, ये देखिए तैयार हो गया है, तोड़ने लायक हो गया है, तो इसे हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए दोस्तों तोड़ लिए हैं। देखिए दोस्तों एक बैगन यहाँ पर है, ये भी बढ़िया से तैयार है, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हम चार बैगन तोड़े हुए हैं, और चार बैगन में जो है कि चोखा काफ़ी हो जाएगा, हमारे ज़रूरत के हिसाब से बैगन हो गया है। तो चलिए अब हम बैगन को लेकर चलते हैं खेत से बाहर। दोस्तों आज हमारे किचन में बनने वाला है मकुनी बाटी और बैगन का बहुत बढ़िया चोखा। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हम गोल वाला बैगन लिए हैं, टमाटर लिए हैं, आलू लिए हैं, और यहाँ पर देखिए मकुनी बनाने के लिए धनिया लिए हैं, और ये प्याज है, और अदरक है, लहसुन है, और एक नींबू लिए हैं। तो देखिए इतना आलू डाल दिए हैं, अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। तो देखिए दोस्तों आग को जला लिए हैं, अब हम इस पर रख देते हैं। ये देखिए चना का सत्तू है, इसमें हम डालते हैं प्याज, हम इसमें डाल देते हैं अदरक, और ये कटा हुआ लहसुन डाल देते हैं, और यहाँ पर है दोस्तों अजवाइन और मंगरेल, इसे डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं अमचूर पाउडर, और ये रहा दोस्तों अचार मसाला, इसे भी डाल देते हैं। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं, और यहाँ पर रहा दोस्तों देसी घी, इसे डाल देते हैं। तेल अब हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं, और ये कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देते हैं। तो सारा सामान डाल दिए हैं, अब हम इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। हो गया है, और अब ये उबल भी गया होगा। अब चलिए इसमें हम जो है कि बैगन डालकर भूनते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बैगन और टमाटर हम जो है कि किस तरह से भून रहे हैं, बहुत ही अच्छे से जो है कि।
ये भुना जाएगा, आंच भी लग रहा है और ये बैगन जलेगा भी नहीं, बढ़िया से भुना जाएगा इसी में। तो इस तरह से इसको घुमा फिरा कर भूनते हैं। देखिए दोस्तों, ये टमाटर हमारा जो है कि पक गया है, इधर बैगन भी लगभग पकने ही वाला है, थोड़ा बहुत कसर बाकी है तो इसमें डाल दिए हैं। अब ये अच्छे से जो है कि इसमें पक जाएगा। और बाटी बनाने के लिए दोस्तों इधर देखिए हम आटा भी ले आए हैं। ये देखिए यहाँ पर आटा है और इसको हम गूंथ कर तैयार करते हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जो है कि तैयार करेंगे गूंथ कर। इसमें देखिए दोस्तों हम कुछ भी नहीं डाले हैं, ना नमक डाले हैं ना घी डाले हैं, ऐसे ही सादा आटा गूंथ कर तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमारा इधर जो है कि आटा भी गूंथा गया है और यहाँ पर देखिए बैगन और टमाटर को भून लिए हैं और आग भी जला दिए हैं दोस्तों। इस पे हम रख देते हैं कुकर और इसमें हम पानी रखेंगे उबलने के लिए। आटा लेंगे इस तरह से हाथों में और इसका हम चकई करेंगे। तो देखिए दोस्तों गोल सा चकई हम कर लिए हैं। अब हम इसमें ये सत्तू भरेंगे, इस तरह से सत्तू को भरेंगे। सत्तू को भरने के बाद इसको जो है कि दबाते हुए, सत्तू को दबाते हुए इस तरह से घुमाएंगे और इसको गोल का बना देंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये गोल का बन गया। देखिए बाटी हमारी जो है कि तैयार हो गई है। इस तरह से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो रहा था तो उसको हम निकाल दिए और ये बाटी हमारी बनकर तैयार हो गई दोस्तों। इसको गोल का बना लेते हैं। ये देखिए अब हम इसको रख देते हैं थाली में। तो ये लीजिए दोस्तों, ये भी बाटी हमारी तैयार हो गई एकदम मस्त का। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बाटी हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसमें मकुनी भर दिए हैं और चलिए ढक्कन को हटाते हैं, देखते हैं। इधर देखिए पानी एकदम बढ़िया से खौल रहा है, बस खौलते हुए पानी में इसे हमें उबालना है। अरे ये तो ऊपर जा रहा है। तो देखिए पूरा हम डाल दिए हैं, अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक देते हैं, आंच को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, नहीं तो ये टमाटर और बैगन दोस्तों इंतजार कर रहा है कि कब इसको बनाया जाए। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। इसको पहले धुल लेते हैं पानी में, टमाटर और बैगन। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पानी डाल दिए हैं थाली में और टमाटर का छिलका अभी हम उतार रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसानी से टमाटर का छिलका उतर जाता है इस तरह से। और दोस्तों जब चूल्हे वाली आग में दोस्तों बैगन और टमाटर भून के जब चोखा बनाया जाता है तो उसका स्वाद दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होता है। इतना बढ़िया स्वाद दोस्तों किसी भी तरीके से अगर आप चोखा बनाएंगे तो नहीं मिलेगा। आलू तो दोस्तों आप भून भी सकते हैं, उबाल भी सकते हैं, वो तो चल जाएगा, लेकिन बैगन और टमाटर को बिना भुने दोस्तों अगर चोखा बनाएंगे तो इसका स्वाद बेमजा हो जाएगा। चलिए दोस्तों इधर देख लेते हैं। तो ये देखिए पानी फिर से खौलने लगा है और हल्का हल्का जो है कि इसको देखते हैं और देखिए ये पूरा जो है कि बाटी ऊपर आ गया है, एक दो बचा हुआ है जो। तो देखिए सभी बाटी को हम छुड़ा दिए हैं और सभी बाटी ऊपर तैरने लगी है। अब अच्छे से पकेगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों आलू का छिलका, टमाटर का छिलका और बैगन का छिलका उतार कर रख लिए हैं और ये देखिए अदरक लहसुन और हरा मिर्च है, इसे हम छिलबट्टे पे थोड़ा सा कूट कर डालते हैं। इस वजह की स्वाद के अनुसार इसमें डालते हैं नमक और ये अदरक लहसुन हरा मिर्च डाल देते हैं और साथ में हरा धनिया डाल देते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा सरसों का तेल। सभी सामान को डाल दिए हैं दोस्तों। अब हम इसको जो है कि बना लेते हैं चोखा और देखिए टमाटर बहुत तेज छटक रहा है। अरे वाह क्या जबरदस्त इसका कलर दिखने में लग रहा है, बहुत ही स्पाइसी चोखा दोस्तों बनने वाला है आज मनीषा किचन में।
आप लोग भी दोस्तों आ जाइए खाने के लिए। हाँ दोस्तों वेलकम। और बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, मैं बता देती हूँ पहले से ही। वाओ। तो देखिए दोस्तों हमारा चोखा बनकर तैयार हो गया है और बाटी भी उबल गई है, तो चोखा को अभी ढक देते हैं और इधर बाटी को हम छान लेते हैं। ये देखिए फूल कर इतना बड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों। वाओ जबरदस्त बाटी। अभी इसको छानेंगे तो और जबरदस्त हो जाएगा। अब हम दोस्तों चूल्हे पर रखते हैं कढ़ाई और कढ़ाई में डालते हैं सरसों का तेल। बाटी को हम सरसों के तेल में ही छानेंगे। सरसों के तेल में छना हुआ बाटी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। डालेंगे तो देखिए दोस्तों एक तरफ से बाटी जो है कि धीरे धीरे सीझ रही है और बाटी को हम पलट देते हैं दूसरे तरफ। अब हम इसको थाली में रख देते हैं। इसे भी हम छान लेते हैं। दोस्तों आज शाम का खाना हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, बहुत ही टेस्टी बनाए हुए हैं। आज के खाने में हम बनाए हैं चोखा और मखनी की बाटी, तो हमारे पापा को बहुत पसंद है, तो चलिए पापा को निकालते हैं खाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मखनी का गरम गरम बाटी है और ये रहा दोस्तों देसी चोखा जिसे हम लोग गाँव में भरता बोलते हैं। एक तोड़ के दिखाइए मखनी। ये देखिए दोस्तों ये थाली तैयार हो गई है पापा के लिए और एक मखनी हम तोड़ कर दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए इसमें का स्टफिंग और अभी काफी गर्म है दोस्तों, देखिए इसमें से भाप निकल रहा है। तो चलिए पापा को देते हैं खाने के लिए। और आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए दोस्तों। चैनल पे हमारे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बने बेल आइकन घंटी को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस न होने पाए। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से।